16 मार्च 2023 सूत्रधार संस्थान द्वारा आयोजित 8 दिवसीय फिल्म साहित्य और नाट्य उत्सव की तैयारी को लेकर प्रेस वार्ता स्थानीय होटल तरुण में आयोजित की गई। समिति के संरक्षक डॉक्टर सी के त्यागी एवं डॉक्टर अमित सिंह द्वारा संयुक्त रूप से की गई। बता दें, सूत्रधार संस्था आजमगढ़ पिछले 2 दशक से आजमगढ़ में पेशेवर और प्रशिक्षित रंग कर्म को स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे। सूत्रधार हर साल नाटक कला के प्रशिक्षण और प्रदर्शन के अतिरिक्त देश भर के नाटकों को अपने वार्षिक आयोजन आजमगढ़ रंग महोत्सव में आमंत्रित करता है। नाट्य जगत में आरंगम के नाम से ख्याति पा चुका यह नाटक समारोह काफी चर्चित। इस साल आरंगम का 17वां संस्करण 23 से 25 मार्च 2023 को आयोजित किया जा रहा। इस वर्ष 4थे आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में फ्रेंच अभिनेत्री मरियाना बोर्गो, जर्मन एक्ट्रेस सुजान, जो कि फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में सोनिया गांधी की भूमिका निभा चुकी हैं, कार्लिटा मोहिनी, जो एक ब्राजीलियन कलाकार है, खासतौर से इस समारोह में शामिल हो रही। आगामी 18 से 25 मार्च तक आजमगढ़ के शारदा टॉकीज में आयोजित हो रहे 4थे आजमगढ़ फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए मास्टर क्लासेस भी होंगी। युवाओं को फिल्म बनाने की बारीकी भी सिखाई जाएगी। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा पंचायत वेब सीरीज से घर घर लोकप्रिय हुए अशोक पाठक उर्फ विनोद और शबाना आजमी प्रमुख आकर्षण होंगे। इसके अतिरिक्त दूसरे साहित्य उत्सव 21 मार्च 2023 में प्रसिद्ध कथाकार नाटककार ऋषिकेश सुलभ, ख्यातिबद्ध कथाकार संजीव, सुप्रसिद्ध कवि भी व्योमेश शुक्ला के साथ संवाद के लिए प्रसिद्ध पत्रकार प्रकाश केरे, अजीत राय, शोभा अक्षरा शामिल होंगे। इस आयोजन की अंतिम कड़ी में आजमगढ़ रंग महोत्सव, जिसे उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और भारत सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से किया जा रहा है, स्थानीय एवं बाहरी लोक कलाओं का प्रदर्शन के साथ साथ देश के ख्यातिबद्ध नाट्य दलों के नाटकों का मंचन भी किया जाएगा। 8 दिवसीय आयोजन दर्शकों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। सूत्रधार संस्थान जो है 2003 से आजमगढ़ में हर वर्ष कुछ ना कुछ करता रहा है, चाहे वो नाट्य से संबंधित हो, फिल्मों से संबंधित हो या साहित्य से संबंधित हो। हमारा प्रयास यही रहता है कि अच्छा, गुणवत्तापूर्ण, सार्थक कुछ हम अपने दर्शकों को दे पाए। इसी क्रम में जो ये 4th फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 18, 19, 20 मार्च को। इसके बाद 2 दिन का हम हिंदी साहित्य उत्सव मना रहे हैं और 17वां आरंगम समारोह करने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है, हर साल हम लोग करते हैं, आप लोग साथ में रहते हैं, अच्छे नाटक, अच्छी फिल्में और साहित्य के बारे में अच्छा डिस्कशन। इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे? इस बार जो है, अभी तक तो हम लोग नेशनल लेवल पे हम लोग जुड़े हुए थे, लेकिन इस बार इंटरनेशनल लेवल से भी कुछ लोग हमारे पास आ रहे हैं। फ्रेंच अभिनेत्री मारियाना बोरेगो, जर्मन एक्टर सुजैन जो और कार्लिटा मोहिनी जी, एक ब्राजीलियन कलाकार हैं जो इसमें भाग ले रही है। वो उसके अलावा जो पूरी डिटेल्स हैं वो हम कल आप लोगों को बता पाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं आया है। तो कंफर्मेशन आ जाएगा तो हम उन लोगों के बारे में भी आपको बता देंगे। कई दिवसीय प्रोग्राम चलेगा सर? ये टोटल जो है 8 दिवसीय प्रोग्राम है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो कहाँ पर किया जाएगा? पार्टन, कहाँ पर कार्यक्रम? ये हमेशा वहीं होता है, हम लोगों का शारदा टॉकीज में प्रोग्राम होता है, सब वहीं पे होंगे। इधर एक कला भवन बन रहा है, उसके लिए बारे में आप लोग कुछ? कला भवन के बारे में तो अभिषेक पंडित बता पाएंगे मुझसे बेटर। ठीक सर। और इन 3 सालों में हम लोगों ने इतना हासिल कर लिया है कि यहाँ जो मुंबई में तो खैर वो होता ही है कि आजमगढ़ में भी फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, और इस बार इवन जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस और फ्रांस से 3 बहुत ही सीनियर वहाँ की जो एक्ट्रेस हैं वो आ रही हैं आजमगढ़ जैसे छोटे शहर में।